हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज का वीडियो है उमेजी डामोर के ऊपर। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और सुनिए आप लोग उमेजी कितना अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है। क्या बोलना चाहते हो सुनियो। हम दौरे पे थे आसपुर विधानसभा के अंदर, और काफी 6-7 दिन से ज्यादा ही कुछ दिक्कत आ रही है। रात को लाइटें नहीं मिलती है, सुबह लाइटें नहीं मिलती है, जहाँ 2-2 घंटे कटौती के चक्कर में 7-7, 8-8 घंटे लाइटें नहीं मिलती है। इस तरह से कई प्रकार की शिकायतें आती रहती है। मेरे को भी कई प्रकार के फोन आते हैं अलग अलग तरीके से, तो आज मैं आया हूँ जय इन साहब से, इन साहब से मिला हूँ। हालांकि उनके जवाब से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं 2 घंटे कटौती हो रही है, और कटौती वास्तविक 7-7, 8-8 घंटे 9-9 घंटे कटौती हो रही है। तो कहीं के उनके द्वारा भी एक्शन लिया जाएगा। आगे भी मैं बात करूंगा कलेक्टर साहब, एसी साहब से भी बात करूंगा, क्योंकि ये उनके कोई जवाब देने का कोई मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं आगे भी बात करूंगा इसके लिए। और रही बात सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है, 2 घंटे कटौती होती है तो जो उनके फीडर इंचार्ज हैं, और फीडर इंचार्ज जो कटौती में 2 घंटे में काम नहीं करते, इसके अलावा फिर जब लाइन चालू होती है उस समय शट डाउन लेके काम करना चाहते हैं, तो वहां पे भी कई सारे परेशानी आती है। तो उनको मैंने आज पाबंद कर दिया कि जितने भी फीडर इंचार्ज हैं उनको पाबंद करो। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे हैं जो डीपी जल गए हैं, समय पे बदली नहीं जा रही है, वो भी उनको पाबंद करा आज। इसके अलावा जहाँ पे पोल लग रहे हैं, जहाँ डीपी लगाई, नई डीपी लगाई जा रही है, वहाँ बिना परमिशन से लगा देते हैं, तो वहाँ पे भी आज उनको पाबंद करा है। जिस तरह से बांसवाड़ा सीट पे माहौल बना था, मालवीय जी कांग्रेस से भाजपा में गए और एक तरह से ये माहौल बन गया था कि यहाँ पर अब कोई टक्कर में नहीं है, कोई चुनाव में मैदान में नहीं आएगा, लेकिन जनता ने ठान लिया था, हमारी पार्टी ने ठान लिया था, हमने ठान लिया था कि इस बार सबका रगड़ा निकाल देंगे, और हमने तरीके से रगड़ा निकाल दिया। उपचुनाव बागीदोरा में भी तरीके से रगड़ा निकाल दिया। ये एहसास कराया कि जनता से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता है। आदमी को आम से खास बनाती है जनता, आदमी को दिग्गज भी बनाती है, बड़ा लीडर भी बनाती है, और वही जनता उनको एहसास भी कराती है कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और इस बार चुनाव में इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले युवा हो, बड़े बुजुर्ग हो, महिला हो, किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, सबने दिल से मेहनत किया और शानदार परिणाम आया। और ये स्पष्ट हो गया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता किसी के बहकाव में आने वाली नहीं है। विवेक कह सकते हैं कि विवेकशील लोग हैं, मजबूत लोग हैं, समझदारी वाले लोग हैं, और इस बार परिचय दिया समझदारी का। अब दिल्ली में जोहार का डंका बजेगा, दिल्ली जोहार जोहार बोलेगी, जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। की खोवा गयो हेलीकॉप्टर, की खोवा गयो ए हो, रो तो रह गयो मालवियो, रो तो रह गयो हो ए हो, थारे बापे जिंदगी नो फायदो उठावी लीदो हो ए हो, दिल्ली जाए राजकुमार, दिल्ली जाए होए हो, सारे बापो राजकुमार। लिया था नामांकन के दिन मैंने अपील किया था बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता से, आप मुझे साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा, अपन सब मिलके बांसवाड़ा डूंगरपुर पूरे आदिवासी इलाके के अंदर जो गंदगी फैली हुई राजनीतिक में उसके सफाया कर देंगे और रगड़ा निकाल देंगे। और सब ने मिलके, जनता ने, मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब ने मिलके एक शानदार रगड़ा निकाल दिया इस बार।